दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आजकल विपक्षियों को घेरते हुए मोदी जी को आपने एक बात खूब कहते सुना होगा कि विपक्षी संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत नहीं करते। जैसे कोर्ट से कोई फैसला आ जाए या कोई एजेंसी किसी विपक्षी पर कार्रवाई करे और वो उसका विरोध करें, किसी फैसले का विरोध करें, किसी कार्रवाई का विरोध करें, तो बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री मोदी खुद यही कहते हैं कि देखो संवैधानिक संस्थाओं पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं, लोकतंत्र का अनादर कर रहे हैं। लेकिन यही काम तो बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। कैसे मनीष कश्यप के सपोर्ट में आने के चक्कर में बीजेपी के नेता ने देश की सबसे बड़ी अदालत तक का अपमान कर दिया, यह आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि खुद पर लगे एनएसए और तमिलनाडु और बिहार के अलग अलग केसों को एक जगह शिफ्ट करने की याचिका को लेकर यूट्यूबर मनीष कश्यप गए थे सुप्रीम कोर्ट। वहां से उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने 10 अप्रैल की नई तारीख दे दी है। लेकिन कोर्ट के इस रुख पर देखिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं। इकोसिस्टम वाला पत्रकार होता तो कल ही सुनवाई और फैसला हो जाता, पर बेचारा बिहार का बेटा मनीष कश्यप है, 4-5 दिन जेल में रहे, प्रताड़ना सहे, एनएसए लगा रहे, तब सुनवाई का समय मिलेगा शायद। मनीष कश्यप को जब खुद के राज्य बिहार की सरकार ने ही तमिलनाडु के हवाले कर दिया आतंकियों की तरह, तो अब माननीय से शिकायत भी क्या की जाए। तो बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बताएं कि आखिर वो किस हैसियत से देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इकोसिस्टम वाला पत्रकार होता तो कल ही सुनवाई हो जाती, फैसला आ जाता। क्या बकौल कपिल मिश्रा मनीष कश्यप के साथ सुप्रीम कोर्ट कोई भेदभाव कर रहा है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जिसका फैसला हमें कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है, लेकिन हम नागरिकों की हिम्मत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दें, क्योंकि वो सर्वोच्च अदालत है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत के संविधान के तहत सबसे ऊंची अदालत है, उस पर कपिल मिश्रा कैसे सवाल उठा सकते हैं? और किस इकोसिस्टम वाले पत्रकार की बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा? सिद्दीकी कप्पन, केरल के ये पत्रकार, यूएपीए के तहत 2 साल 4 महीने जेल में रखा गया इन्हें। अब तक आपने बीजेपी नेता को इनके लिए, इनके सपोर्ट में कोई आवाज उठाते हुए देखा? बीजेपी की फेक न्यूज का पर्दाफाश करने वाले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, कई दिन इन्हें जेल में रखा गया, क्या कोई बीजेपी के नेता इनके लिए बोला? नहीं ना, क्योंकि ये जो पत्रकार हैं वो खुद बीजेपी के इकोसिस्टम को सूट नहीं करते। और मनीष कश्यप तो वो यूट्यूबर हैं जो कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेताओं के इकोसिस्टम का बकायदा हिस्सा हैं। लेकिन कपिल मिश्रा जी, एक बात समझ लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट के लिए चाहे कप्पन हो या कश्यप, सब बराबर होते हैं। इसीलिए किसी और की नहीं तो इस मामले में ना प्रधानमंत्री मोदी जी की सलाह मानिए और संविधान के तहत देश की सबसे ऊंची अदालत पर इस तरह की ओछी और हल्की बयानबाजी से बचिए। हालांकि ये बात सही है कि अब तो हम उस दौर में जी रहे हैं जब खुद देश के कानून मंत्री देश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजों को एंटी नेशनल कह रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना पड़ रहा है कि हमारी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी ट्रोलिंग पर बोलना पड़ रहा है। दौर तो ये भी है, लेकिन जितना हो सके कपिल मिश्रा जैसे नेताओं को ऐसा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।